हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मैरी कॉम, जो पहले भारतीय महिला बॉक्सर ओलंपिक में भाग लेने और ब्रॉन्ज पदक जीतने वाली कहाँ से है? चुराचांदपुर, जहाँ चल रही मणिपुर वायलेंस पहली बार शुरू हुई थी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। चुराचांदपुर मणिपुर के सबसे बड़े जिले और दूसरे सबसे बड़े शहर का जिला मुख्यालय है। स्थानीय रूप से शहर को लमका कहा जाता है, जिसका अर्थ है सड़क जंक्शन पर स्थित स्थान। जिला सुंदर है क्योंकि ये छोटी पहाड़ियों और संकीर्ण घाटियों से घिरा हुआ है। चुराचांदपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। चुराचांदपुर नाम को सोंगपी में जिले के पहले मुख्यालय से वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया और मणिपुर रियासत के पूर्व महाराज चुराचांद सिंह का सम्मान किया जाता है। स्थानीय लोग इस नाम को औपनिवेशिक थोपे जाने के रूप में अस्वीकार करते हैं और मूल नाम लमका का उपयोग करते हैं। जिले में कई जनजातियों का निवास है, जो मुख्य रूप से चीन कुकी मिजोजोमी समूह से संबंधित, जैसे कि थाड़ो, हमार, पैते, वेफे और जो जनजाति। इनके अलावा गंगटी, सिमटी, मिजो, तेडिम चीन और कुछ मणिपुरी मैतेई है। चुराचांदपुर शहर खुगा नदी की घाटी में है, जो म्यांमार के साथ सीमा से उत्तर में इम्फाल घाटी की ओर बहती है। यह शहर दो सड़कों के चौराहे पर है। तेडिम रोड, जो मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से म्यांमार के चीन राज्य में तेडिम तक जाती है, और तिपाईमुख सड़क, जो दक्षिण पश्चिम में तिपाईमुख तक जाती है और मिजोरम तक जारी रहती है। दो सड़कों के जंक्शन को कुकी चीन भाषाओं में लामका कहा जाता है। वर्तमान में तेडिम रोड का उत्तरी भाग में तिपाईमुख रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 2 बनाते हैं, जो असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य को जोड़ता है। इन सड़कों के अलावा तुइनांग घाटी के माध्यम से सुगनू की सड़क भी चुराचांदपुर शहर से निकलती है। भले ही शहर में कुकी जो आबादी का बहुमत है, लेकिन इसमें मैतेई आबादी वाले 18 गाँव भी है। इनमें से कई गाँवों को 2023 के मणिपुर वायलेंस के भीड़ द्वारा नष्ट कर दिया गया था। कहा जाता है कि स्थानीय लोगों ने हमेशा चुराचांदपुर की तुलना में शहर के लिए लामका नाम का इस्तेमाल किया है। 2023 की मणिपुर वायलेंस के दौरान जातीय तनाव बढ़ने के साथ कुकी लोगों ने चुराचांदपुर नाम को तेजी से ठुकरा दिया है। उस नाम को मिटाने की कोशिश हर मोड़ पर साफ नजर आती है। 2023 की मणिपुर वायलेंस के दौरान घरों, दुकानों, सरकारी संस्थानों और कार्यालयों के बाहर लगे लगभग हर साइन बोर्ड पर लामका नाम के साथ स्प्रे पेंट लिखा गया है। मणिपुर का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के नाते पर्यटकों को कोई पर्यटक आकर्षण को देखने का अवसर मिल सकता है, जो शहर के चारों ओर देखे जा सकते हैं। चुराचांदपुर में आकर्षण तिपाईमुख, ये आश्चर्यजनक परिवेश के साथ तुईवाई नदी और वराक नदी का एक मिलन क्षेत्र है। तिपाईमुख दो शब्दों तिपाई और मुख से बना है। हालांकि यह स्थान चुराचांदपुर में पिकनिक के लिए शीर्ष स्थान है। नालई, कुछ किलोमीटर की दूरी पर लोग चुराचांदपुर शहर के पास स्थित एक छोटे से गांव नालई तक पहुंच सकते हैं। नालई शहर में कम पहाड़ी और हरियाली का वातावरण देखने के लिए सबसे अच्छी चीज है। उच्च दबाव बहने वाला झरना नालई के लिए अधिक प्रसिद्ध है। दबाव चुराचांदपुर तक पहुंच सकता है क्योंकि शहर में हर जगह पूरी हरियाली और आसपास के स्थान भी सुंदर है। हालांकि बारिश के मौसम में शहर तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चुराचांदपुर को हर साल भारी बारिश का सामना करना पड़ता है। खुगा बांध चुराचांदपुर शहर के पास स्थित एक हाल ही में निर्मित बांध है। यह इस शहर के दक्षिण में स्थित है। निर्माण 1983 में शुरू हुआ था, लेकिन 2002 तक कई वर्षों तक काम को नजरअंदाज कर दिया गया था, जब इसे फिर से शुरू किया गया था। अंत में 2010 सोनिया गांधी ने बांध का उद्घाटन किया। हालांकि इसने अभी तक अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं किया है। ये बांध 38 मीटर ऊंचा है और 230 मीटर से अधिक फैला है। लोग प्रकृति के चमत्कारों का आनंद लेने और अवशोषित करने के लिए इस बांध पर जाते हैं। यह न केवल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल भी है। जनजातीय संग्रहालय या ट्राइबल म्यूजियम, जनजातीय संग्रहालय उन लोगों के लिए एक जगह है जो हिल टाउन में इस शहर के इतिहास में रुचि रखते हैं। यह उन्हें प्रारंभिक मानव बस्तियों और इस क्षेत्र के लोगों की जनजातीय जीवन शैली का विस्तृत ज्ञान देता है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा संग्रहालय नहीं है, लेकिन इसमें प्राचीन वस्तुओं का एक सभ्य संग्रह है, जो कभी पारंपरिक आदिवासी लोगों से संबंधित था। इनमें आदिवासी वेशभूषा, धार्मिक सामान, बेत और बांस शिल्प और कई अन्य सांस्कृतिक कलाकृतियां शामिल हैं। संग्रहालय में पुराने गहने और हथियारों की एक विस्तृत विविधता भी है। टोंगलोंग गुफाएं, मणिपुर राज्य अपने प्राकृतिक आकर्षणों के साथ साथ गुफाओं के लिए भी जाना जाता है। जैसा कि कई लोगों को पता हो सकता है, इसमें ऐतिहासिक गुफाओं की एक सरणी है, जो न केवल पर्यटक आकर्षण के रूप में काम करती है, बल्कि पुरातत्वविदों के लिए इस क्षेत्र के इतिहास का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी
काम करती है। सिंगट उपमंडल की टोंगलंग गुफाएं चुराचांदपुर की सबसे प्रसिद्ध गुफाएं हैं। उन्हें शहर के सबसे अच्छे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आकर्षणों में से एक माना जाता है। इन गुफाओं में मौजूद नक्काशी और मूर्तियां शुरुआती बस्तियों की अच्छी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यहाँ पाई गई लिपियों और उत्कीर्णन ने कई इतिहासकारों को मणिपुर के अतीत के बारे में समझने में मदद की। इस उल्लेखनीय साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।